गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं सब? अच्छे। बच्चों आज हम दिन की शुरुआत करेंगे हिंदी की गतिविधि के साथ, ठीक है? तो मैडम ये क्या लाई है बच्चों? चित्र है। बहुत बड़ा सा चित्र दिख रहा है सबको? चित्र तो है लेकिन किस पर बना हुआ है? चार्ट पर। तो इसलिए इसका नाम होता है चित्र चार्ट। क्या नाम है? चित्र चार्ट। तो मैडम आज लाई है चित्र चार्ट। क्या लाई है? चित्र चार्ट। चित्र चार्ट। अब इस चित्र चार्ट में बहुत कुछ दिखाई दे रहा होगा। देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है? अच्छा चलो हम इसको रखते हैं और सभी बच्चे इस चित्र चार्ट को पहले ध्यान से देख लो। सब देख रहे हो क्या क्या बना हुआ है? तो चलो हम लोग इस पर बात करेंगे, आज हम लोग इसी पे बातचीत करेंगे। तो हम पूछते हैं सबसे पहले, जोया बेटा आपने ये चित्र चार्ट देखा? आपको ये कहाँ का सीन दिख रहा है, कहाँ का दृश्य लग रहा है, ये सब कहाँ होता है? कहाँ पर होता है, कोई जगह बताओगी? जंगल में। क्या जंगल में इंसान रहते हैं क्या? नहीं मैम। जंगल में कैसे हो सकता है? वेरी गुड, क्लैप करो बेटा इसके लिए, कविता के लिए। बहुत बढ़िया। तभी कहते हैं देखी। अच्छा तो जंगल में तो हो नहीं सकता है। जंगल में सिर्फ कौन होते हैं? पेड़ होते हैं या फिर जानवर, वहाँ इंसान दो ना रहते हैं। तुम लोग रहते हो क्या जंगल में? रहते हो कहाँ? रहते हो शहर में, गांव में, इसी में तो रहते हो। तो ये कुछ लग रहा है गांव जैसा। कैसा लग रहा है? कविता ने बिल्कुल सही जवाब दिया, ये गांव का सीन लग रहा है। तो अब देखते हैं ये कर क्या रहे हैं, गांव में क्या हो रहा है, क्या तुम्हारे गांव में भी ऐसा होता है क्या? तो विकास बेटा तुम देख के बताओ ये क्या कर रहे हैं? ये दो बच्चे खेल रहे हैं। सब बच्चों देखो, ये दो बच्चे खेल रहे हैं और ये लड़की भी हमें लग रहा है खेलने जा रही है इनके साथ, राइट? अच्छा ये कैसा खेल खेल रहे हैं, कोई बता सकता है? गोली वाला, इसको गोली वाला खेल कहते हैं। अच्छा है, तो कोई खेलता है क्या गांव में? किससे खेला है? हाथ खड़ा करो। तुमने खेला है? अच्छा अब जोया बताएगी ये खेल कैसे खेला जाता है। विकास कैसे खेला जाता है? सिर्फ दो लोग होते हैं या तीन होते हैं, कितने भी हो सकते हैं? नहीं, कितने लोग खेलते हैं इस गेम को? कितने भी लोग खेल ले। इसमें करना क्या होता है, ऐसे कंचे को क्या करना पड़ता है? कंचे पे मारना होता है। एक कंचे को मतलब दूसरे कंचे पे मारना होता है। फिर क्या होता है, जीतते कैसे इसमें है? मैम फिल्म में जिसकी गड्ढा होता है उसमें घुस जाए कंचा तो जीत जाता है। ऐसे जीतते हैं। अच्छा तो यानी ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों बच्चे खेल रहे हैं। कितने बच्चे खेल रहे हैं? दो बच्चे, और तीसरी जो है उसकी बहन आकर देख रही है कि ये कैसे खेला जा रहा है। अच्छा ये बताओ ये है क्या जिसपे बैठे हैं? ये किस किस के घर में है? सभी के घर में है। अच्छा तो ये बताओ ये किस चीज की बनी हुई है? लकड़ी की। किसकी बनी है? लकड़ी। इसमें कौन कौन सोता है? सोते हो। अच्छा ये बताओ ये जो चारपाई है, ये खटिया है, उसमें कितने लोग बैठे हैं? हाँ चार लोग, एक दो तीन चार। अच्छा ये दो कौन होंगे इन दोनों के? मम्मी पापा, और ये इनके क्या है? बच्चे। और अच्छा ये बताओ इनका घर कौन सा हो सकता है? यस, इनकी जो खटिया है वो इनके घर से पास पड़ी हुई है कि दूर? पास में डली हुई है। क्या डली हुई है? अच्छा बताओ पास पड़ी है। अच्छा ये बताओ इनके घर के पीछे ना एक कुछ तालाब है, देखो दिख रहा सबको? तो ये बताओ वो तालाब इनके घर से पास लग रहा है कि दूर? दूर। वेरी गुड, क्या है ये? दूर। अच्छा ये बताओ ये आदमी क्या लेके जा रहा है? कूड़ा। कूड़ा तो नहीं लग रहा है इसमें। घास। क्या ले जा रहा है ये? घास ले जा रहा है। हो सकता चारा ले जा रहा हो। क्यों, चारा भी तो जानवरों को डाला जाता है, डाला जाता है ना, जानवर खाए तो हमें लग रहा है इसने चारा इकट्ठा किया और ये जानवर को देने के लिए जा रहा है ना। अच्छा ये क्या है? गाय। ये क्यों बांधा गया, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? एक एक करके बताओ। हाँ
टब। हाँ, इसमें क्या डालते हैं? चारा। चारा, और क्यों डालते हैं? खाले। खाले, कौन खाले? गाय। तो गाय का भोजन डाला जाता है। अब इसमें डाल देंगे तो गाय आराम से खा लेती है। अच्छा ये बताओ, ये क्या लकड़ी लगी हुई है? मैं ये टब को गिरा रही हूं। नहीं, टब के बगल में देखो, ये खूंटी क्यों बांधी जाती है? हाँ बताओ बताओ, ताकि गाय क्या ना हो जाए, भाग ना जाए। इसीलिए हम गाय के को क्या कर देते हैं? खूंटी से बांध देते हैं। और खोलते कब होंगे ये बताओ? वेरी गुड, आप बोलो बोलो बोलो। बहुत बढ़िया, जब चराने ले जाते हैं तो हम इसकी खूंटी को खोल देते हैं और इसको साथ साथ चराने ले जाते हैं। जब वापस आते हैं फिर उसको क्या कर देते हैं? बांध देते हैं। अच्छा ये बताओ, ये कौन है? मुर्गा। और अच्छा ये क्या कर रहे हैं? चुग रहे हैं। क्या चुग रहे हैं? हमें लग रहा है कुछ रखा है। यस, यहाँ पर लग रहा है कुछ दाने गिरे हुए हैं जिन्हें ये दोनों चुग रहे हैं, है ना? अच्छा ये कितने हैं? दो। दो हैं। कितने हैं? दो। एक और एक दो। अच्छा ये बताओ, ये क्या रखा है? मटका। ये किस किस के घर में है? अच्छा ये किस काम आता है, कोई बताएगा मुझे? मैं पानी। पानी के इसमें अगर पानी डाले तो कैसा रहता है? सही रहता है। मैम ठंडा। ठंडा रहता है कि नहीं? ठंडा रहता है ना। अगर गर्मी में इसे पानी डाल दे तो हमें कैसा पानी मिलता है? ठंडा। ना ठंडा मिलता है। अच्छा ये बताओ कि ये लड़की कौन है? ये कौन होगी ये लड़की? मैम जी खेलने के लिए आ रही। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखो ये लड़की आ रही है, हमें लग रहा है ये भी इनके साथ क्या करना चाहती है? खेलना चाहती है। तो हो सकता है, या फिर खेलना नहीं चाहती तो शायद ये इनको बुलाने आ रही हो। हो सकता है इनकी बहन भी हो सकती है कि मम्मी बुला रही है चलो घर चलो, तभी शायद आ रही हो बुलाने, है ना भाई? अच्छा ये बताओ, इस चित्र को देखकर मुझे ये बताओ कि इस चित्र में कितनी लेडीज है? लेडीज मतलब फीमेल है, लड़कियां या औरत कितनी है? टोटल सबको मिला के बताओ। लड़कियां 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 सिर्फ एक दो तीन। अगर हम लेडी की बात करें, औरत की भी करें, तो ये हो गई चार। ठीक, ऐसे ही बताओ मेल कितने हैं? आदमी या लड़के कितने हैं? सबको गिन के बताओ। नहीं गिनते, एक एक करके गिनते, बोलो एक दो तीन चार पाँच। कितने हो गए? लड़के हो गए। अच्छा इस चित्र में देख के बताओ इसमें कितने जानवर हैं? तीन। ध्यान से देखो, अच्छे से बैठ जाओ, पहले ऐसे घुसना नहीं है, आराम से देखो। तो इसमें तीन जानवर हैं, एक दो और एक तीन। अच्छा ये क्या गिरा हुआ है? वेरी गुड, क्या गिरा है? ये किसने किया होगा? अच्छा इस गोबर का कुछ बनता है क्या? वेरी गुड, क्या बनता है विकास? क्या तुम्हारे गांव में बनाते हैं ऐसे? और फिर उस कंडे का क्या प्रयोग है? जलाते हैं। उससे क्या बनता है जलाते? वेरी गुड। तो इसका मतलब है जब ये गोबर सूख जाता है तो इसके कंडे बना दिए जाते हैं, और उस कंडे को हम लोग क्या करते हैं? भट्टी में क्या डाल देते हैं? हमें लगा उस पे खाना बनाया जाता है। खाना बनाया जाता है ना, लेकिन इससे एक दिक्कत नहीं होती, धुआं बहुत उठता है। बहुत उठता है ना धुआं? मैम गीला होता है टब। हाँ अच्छा ये क्या रखी है ये टब के नीचे? ईंट से क्या बनता है? हाँ ईंटों से क्या बनता है? घर बनता है। अच्छा ये बताओ इस चित्र में तुम्हें कितने घर दिखाई दे रहे हैं? दो। तीन दिखाई दे रहे हैं। दो तीन। यस, एक पेड़ के पीछे भी छिपा हुआ है छोटा सा घर। एक दो और तीन। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं ये घर तो इनका है और ये दो लड़कों का घर आसी पास हो, ऐसा तो नहीं है कहीं? हमें लग रहा है ये घर किसका होगा? इन दोनों का हो सकता है, या इस लड़की का भी हो सकता है, और ये वाला घर भी इन्हीं में से किसी का है ना? सबके घर कैसे हैं? पास पास है। तुम्हारे गांव में पास पास घर होते हैं कि नहीं? हमारा रोशनी का एक है पास में,
अरे बाप। अच्छा रोशनी का घर और तुम्हारा घर पास में है, और दुर्गा का घर तुमसे पास है या दूर? दूर। दूर पास और दूर की समझ है। पास में है और स्कूल तुम्हारे घर से दूर पड़ता है? पास दूर। अच्छा ये दो मुर्गियाँ देख के बताओ, ये दोनों पास में है कि दूर में? पास में। पास में। अच्छा इनसे मुर्गी से गाय दूर है कि पास? दूर। दूर है। कितनी है? दूर। अच्छा ये बताओ ये दो घर दिख रहे हैं तुम लोगों? इनमें से बड़ा घर कौन सा लग रहा है? ये। और वो वाला कैसा है? छोटा। छोटा। बहुत छोटा। सबसे छोटा पीछे वाला है। ठीक है सही है। चलो और बताओ बच्चों, और भी पूछते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अभी ये किसी ने तो मुझे बताया नहीं ये दोनों क्या बात कर रहे होंगे। कोई भी अपने मन से कुछ बताता तो सही। गाय के बारे में। बैठ के बताओ, बैठ के। मैम गाय के बारे में। गाय के बारे में क्या बोल रहे होंगे? उसके चारा डाल दो। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजा दी है। तो ऐसे हम कुछ भी बता सकते हैं। ठीक है। और सही बोली है, ये बात कर रहे होंगे कि देखो गाय का जो बात जो टब रखा है वो खाली हो गया है, तो इसमें हम लोग क्या डाल दे? चारा डाल के लाओ। या और कुछ बात कर रहे हो कि बच्चे बहुत शरारती हो गए, हमारी बात नहीं मानते, खेलते रहते हैं सारा दिन। या तो तुम्हारी मम्मी बोलती है कि नहीं? गर्मी हाँ। और या कोई दूसरी बात बोल सकते हैं, हो सकता है कह रहे हो, क्या बोल रहे हो रंजी? हाँ या ऐसे बोल रहे हो कि गर्मी बहुत है तो चलो बाजार से कुछ लाएंगे, पंखा लाएंगे या कुछ लाएंगे, ऐसा बोल रहे हो है ना? या कुछ और बात बोल रहे हो? हाँ मतलब कोई भी बात कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा ये चार्ट सबको समझ में आया? इससे हमने क्या क्या सीखा? एक तो दूर पास का सीखा, और संख्या का ज्ञान सीखा कि कितनी चीजें हैं, छोटा बड़ा सीखा है ना, और क्या? खेल का। खेल का भी हमने ज्ञान कराया, और हमने सीखा कि जो चीज रखी है वो क्यों है, उसका रीजन क्या है। जैसे कि ये बाटप क्यों होता है, ये खूंटी क्यों बांधी जाती है, गोबर का क्या प्रयोग है ना, ये घड़े का क्या प्रयोग है, ये चारपाई का क्या प्रयोग है। और इसमें हमने संख्या भी गिनी कि कितने बच्चे थे, कितने जेंट्स थे, कितने लेडीज थी, ये भी जाना। हमने ये भी पूछा कि चारे का क्या प्रयोग होता है, पीछे तालाब है तो उधर क्या होता होगा है ना। तो बहुत कुछ हमने इस चार्ट के थ्रू जाना है। तो सभी को सब समझ में आया? अच्छा अब ये बता